नमस्कार, पंजाब केसरी डॉट कॉम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। बचपन में आपने खेल तो खेला होगा, पौषम पा भाई पौषम पा, लाल किले में क्या हुआ, और अंत में ये लाइन भी सुनी होगी, अब तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। तो चलिए आज आपको जेल की तो नहीं बल्कि थाने की रोटी जरूर खिलाते हैं। दरअसल इस कोरोना काल में जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा हुई, लोगों को भूख की चिंता सताने लगी, और जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो लोगों ने घर से निकलकर गांव जाने का फैसला किया। लेकिन इसी बीच कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगी, जिसमें पुलिस डंडे बरसाती नजर आ रही थी। पुलिस का एक क्रूर रूप देखकर लोगों को गुस्सा भी आता था, लेकिन उनकी भी मजबूरी थी, क्योंकि इस तरह के हालात से लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था। जाहिर है कि पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग हमेशा ही कठोर रही है, लेकिन इस बार के हालात कुछ और ही थे। धीरे धीरे समय बीतते चला गया और पुलिस का व्यवहार भी बदलने लगा। तो वहीं जिस पुलिस के बारे में ये कहा जाता था कि वो सिर्फ डंडे के जोर पर काम कर रही है, वही पुलिस अब जरूरतमंदों के लिए आखिरी आस बनकर आई। बीते कई दिनों में पुलिस के काम करने के तरीकों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कभी दिल्ली पुलिस बुजुर्गों का बर्थडे मनाने के लिए उनके पास पहुंच जाती है, तो कभी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सख्त रुख अपनाती है, तो वहीं कई लोग ऐसे भी सामने आए जो बिना किसी स्वार्थ के काम कर रहे हैं। अब ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर है कृष्णानगर थाने की, जहां आम दिनों में मुजरिमों, चोरों और तरह तरह के अपराधियों का आना जाना लगा रहता है, और पूरा दिन पुलिस तरह तरह के मामलों के निपटारे में भी लगी रहती है। आज भी इस थाने में पुलिस ही काम कर रही है, लेकिन आज डंडे नहीं है, आज कोई केस नहीं है, बल्कि आज काम दिल से हो रहा है। लॉकडाउन के बाद से थाने में जरूरतमंदों के लिए खाना तैयार किया जा रहा है। ये तस्वीर इस बात की गवाह है कि लोगों की मदद के लिए किस तरह दिल्ली पुलिस लगातार काम कर रही है। खाना बनाने के कार्य में सबसे महत्वपूर्ण रोल हलवाई का होता है, तो आपको बता दें कि इतने लोगों का खाना बनाने के बाद भी ये हलवाई निःशुल्क कार्य कर रहे हैं, यानी कि बिना कोई पैसे लिए ये हलवाई फ्री में अपनी सेवा दे रहे हैं। इतना ही नहीं, खाना बनाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जाता है, साथ ही सभी तरह के प्रोटेक्शन को ध्यान में रखकर ही खाना बनाया जाता है। इतना ही नहीं, थाने में तैयार हो रहे इस खाने में स्वाद से भी कोई समझौता नहीं किया जाता। स्वाद के साथ साथ पौष्टिकता का भी पूरा ख्याल रखा जाता है, ताकि खाने के बाद लोगों की सिर्फ भूख ही ना मिटे बल्कि उनकी सेहत भी ठीक रहे। सर, हमें जानकारी मिली कि कृष्णानगर में आप लोगों ने लोगों के खाने के लिए हलवाई लगा रखे हैं और ऑन कॉल खाना पहुंचाया जा रहा है, और साथ ही जो हलवाई काम कर रहे हैं उन्होंने अपनी उदारता दिखाते हैं, वो अपना वेतन भी नहीं ले रहे, तो क्या मैटर है ये? हमने एक कॉमन किचन कृष्णानगर थाने में स्टार्ट करी है, जो RWS MDO की मदद से हमारे पास राशन आ रहा है, और वहाँ पे हम करीब प्रतिदिन 2000 खाना लोगों को बांटते हैं। जो वहाँ पे आते हैं उनको खिलाते हैं, प्लस हमने एक नंबर दे रखा है जिस पे हमें जैसे सूचना मिलती है कि कोई बुज़ुर्ग है या घर से नहीं निकल सकता है, तो उन लोगों को हम खाना उनके घर तक भी पहुँचा रहे हैं। इसमें करीब 15 जो है जो इसमें कैटरिंग वाले लोग इन्वॉल्व हैं, वो इसमें लगे हुए हैं, और वो हमसे उन्होंने निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, और वो हमसे कोई चार्ज भी नहीं कर रहे हैं कि इस सेवा करने का हम कोई आपसे चार्ज लेंगे। तो ये बहुत सराहनीय काम है, और इस समाज के लिए जो है एक मैसेज है कि हर वर्ग से हर तरीके के लोग, जैसे इसमें कुक्स भी एक बहुत अच्छे समाटेरियंस बन के उभरे हैं, जिन्होंने कहा कि हम वेतन नहीं लेंगे आपसे और आपकी सेवा करेंगे। इस देशव्यापी लॉकडाउन के समय पर विभिन्न NGOs और जो कोरोना वॉरियर्स हैं, इतना ज़बरदस्त काम हो रहा है देश के अंदर कि आप इसका टोटल लेखा जोखा बना ही नहीं सकते। दिल्ली से लेकर केरला तक, केरला से लेकर अंडमान निकोबार तक भी ऐसे ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले लोगों के प्रयास हैं, जिसमें कि लोगों को भोजन देने का, लोगों की रहने की व्यवस्था करने का, लोगों को कुछ ना कुछ खर्चा देने का जो एक मुहिम NGOs ने उठा रखी है, और उसके अंदर एक बहुत बड़ी पहल की हुई है दिल्ली पुलिस के जो SHOs हैं और उनके इंस्पेक्टर्स और नीचे के कॉन्स्टेबल तक ने। आप हिसाब लगा लीजिए कि दिल्ली की ही बात करें तो अधिकतर थानों में खाना बंट रहा है,
उनको प्यार से बांटा जा रहा है, राशन बांटा जा रहा है, खिलाया जा रहा है। और उसमें एक बहुत बड़ा उदाहरण कृष्णा नगर का मैं देना चाहूँगा, क्योंकि मैं कृष्णा नगर में रहता हूँ। तो हमारे जो यहाँ पर पुलिस कर्मी हैं, उन्होंने एक परमानेंट रसोई चालू कर रखी है, दोपहर की भी और रात की भी। और उसमें जितने भी लोग आते हैं खाना खाने के लिए, उनको प्यार से बिठा के खाना खिलाया जाता है और बांटा भी जाता है। और वहाँ परमानेंट हलवाई बैठे हुए हैं, और यहाँ के SHO और ACP जितने भी लोग हैं, वो उस कार्यक्रम को अपनी निगरानी से स्वच्छ खाना बने और खाने के अंदर गुणवत्ता हो, ये उन दोनों चीज़ों को देखकर वो लोगों को खाना खिला रहे हैं। लॉकडाउन में लोगों की मानवता की मिसाल भी सामने आ रही है। कृष्णा नगर थाने में एक भंडारा चल रहा है, जिसमें कि जो हलवाई काम कर रहे हैं वो निःशुल्क काम कर रहे हैं, और DCP सादरा ने इनको एक प्रशस्ति पत्र भी देने की बात की है कि ये लोग निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। और थाने की तरफ से लोगों को कॉल होती है कि अगर किसी को खाना चाहिए तो लोग उन्हें कॉल करते हैं और कॉल करके खाना ले आते हैं। तो इस तरह से ये दोनों टाइम ये भंडारा यहाँ पर चलता रहता है, लोगों की मदद करता रहता है, जो ज़रूरतमंद है जिनको खाना नहीं मिल पाता। तो दिल्ली पुलिस और इन हलवाइयों ने एक मिसाल कायम की है। कैमरा पर्सन रजत के साथ सत्येंद्र त्रिपाठी, कृष्णा नगर।